कहते हैं एक अच्छे इंसान का पता उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से लगता है। एक अच्छा खिलाड़ी या पेशेवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान कोई कोई ही होता है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की तकलीफ में काम आए। ऐसा ही एक काम किया है भारत की महिला धावक हिमा दास ने। उन्होंने न सिर्फ 15 दिनों में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, बल्कि असम बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भी दान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से भारत की स्टार महिला धावक हिमा दास सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार महिला स्प्रिंटर हिमा दास ने गृह राज्य असम में राहत प्रयास में मदद करने के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया है। असम में बाढ़ के चलते करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। स्टार स्प्रिंटर ने असम को बचाने के लिए लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने की अपील की है। हिमा ने जो धनराशि दान की है वह उन्हें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिलने वाले वेतन का आधा हिस्सा है। हिमा वहां एचआर विभाग में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। हिमा ने बड़े कॉरपोरेटिव घरानों और लोगों से भी अपील की है कि वह भी दान दें और उनके प्रदेश को बचाएं। हिमा ने ट्वीट कर कहा, हमारे प्रदेश असम में बाढ़ से स्थिति काफी खराब है। 33 में से 30 जिले इससे प्रभावित हैं। इसलिए मैं बड़े कोऑपरेटिव घरानों और लोगों से यह अपील करना चाहती हूं कि वह हमारे राज्य की इस मुश्किल स्थिति में मदद करें। अब तक मिली खबरों के अनुसार असम में बाढ़ और जमीन धंसने से तकरीबन 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी के मुताबिक 33 में से 31 जिलों में जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। असम में हर साल बाढ़ से स्थिति बिगड़ती है, लेकिन इस बार हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि इसी तरह पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश मिरोठा ने भी अपनी एक महीने की पूरी सैलरी बाढ़ पीड़ितों को दान कर दी थी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए एज ऑफ यूथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।